हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेम इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज के हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप एक फोल्डर को अनहाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक न्यू फोल्डर बनाना होगा, जैसे मैंने बनाया, एंटर दबाना होगा इस पे। अब ये न्यू फोल्डर बन चुका है, आप देख सकते हैं ये अभी अनहाइड फोल्डर है। तो आपको हाइड कैसे करना है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ पर जाके आपको हिडन एक ऑप्शन दिख रहा होगा जर्नल में, उसे अप्लाई करना होगा, ओके दबाना होगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे फोल्डर था वे अनहाइड हाइड हो चुका है। तो आपको करना क्या होगा, अब हमने हाइड तो कर लिया, अब उसे वापस कैसे लाएं? तो आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना होगा, कंट्रोल पैनल में जाना होगा। यहाँ से अगर आप कैसे नहीं आ रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ पर दबा के लार्ज आइकन आप कैसे आ रहे होंगे तो आप कैटेगरी में जा सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोल्डर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको जाना होगा व्यू के ऑप्शन में, यहाँ पे रीसेट फोल्डर। अब ये डिफ़ॉल्ट डोंट शो हिडन फाइल्स पे अपने आप से हुआ होगा, तो आपको करना क्या होगा, शो हिडन फाइल्स अप्लाई करना होगा, ओके दबाना होगा। तो ये अभी आ गए हैं, पर लेकिन ये अभी भी हिडन है। ये मैंने आपके अभी बनाया था, ये पहली वीडियो में बनाया था मैंने, अब ये जो मैंने आपके बनाया था, पर लेकिन ये अभी भी हिडन है। तो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा, इसे अनहाइड करना होगा, अप्लाई करके ओके दबाना होगा। अब ये देखिए हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साइड में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ, क्योंकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो लेट्स देम गुड बाय।